डॉक्टर, पेशेंट की कंडीशन कैसी है? सर, ये केस आत्महत्या का है या मर्डर का है, ये हम अभी कुछ भी क्लियर बता नहीं सकते, इसलिए कि उसने जहर भी पिया हुआ है और उसके शरीर के घाव को देखकर लगता है यह खून की कोशिश भी हो सकती है। Is it? Oh God. Okay. How's his condition? फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते सर, 48 घंटे का ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। Let's see. We will try our level best to save him. Okay. Thank you, sir. Excuse me. Carry on. Okay, Inspector. अगर आप परमिशन दे तो मैं निकलूं। हाँ, अगर इस केस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर फोन कीजिए। ओके सर, थैंक्स फॉर द टाइमली इन्फॉर्मेशन। इट्स ओके, इट्स माय ड्यूटी। देखिए उस लड़की को, कितनी प्यारी, कितनी अच्छी है। देखो वो लड़की कितनी सुंदर रंगोली बना रही है। और एक तुम्हारी बेटी है जो कुंभकरण जैसी सो रही है, ये सब सिखाओ उसे। हेमा, उठो ना हेमा। उठ के मैं क्या करूं मम्मी? देखो उस प्रिया को देखो, सूरज डूबने से पहले घर आ जाती है, सूरज उगने से पहले घर का काम काज करके कॉलेज जाती है। जाओ उसके पाँव पर तो अक्कल आ जाएगी तुझे। वो काम तुम ही करो ना मम्मी। इस लड़की को देखो, और एक तुम्हारी बेटी भी है जो हमेशा साइकिलिंग और जॉगिंग करती रहती है, उसे कुछ सिखाओ। क्या पेपर पढ़ रहा है? उधर देखो, बाहर जाके देखो। हाँ, मेरी पोती पर हमारे पड़ोसी ने कैसी प्रशंसा की झड़ी लगा दी है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा संभालो, इस खुशी में कहीं हार्ट अटैक से नीचे ना गिर जाए। हाँ हाँ हाँ, हार्ट अटैक को मैं डरती नहीं रही बेटा, बुढ़ापे में मैं काशी या रामेश्वर जाने की सोच रही थी, लेकिन उधर होने वाली पूजा पाठ सब इधर ही हो रही है, यही स्वर्ग है बेटा। आरती लीजिए दादी माँ। हाँ हाँ। पापा, चलती हूँ दादी माँ। माँ जाके आती हूँ। अरे नाश्ता तो करके नहीं माँ, आज संकष्टी है ना, उपवास है। ए इधर देख, इधर सीखो। इस जमाने में पिज्जा बर्गर जैसी चीजों से पेट भरने वाले लोगों के सामने मेरी पोती अमृत है रे, पंचा अमृत। प्यारी बेटी तू जा गया। अच्छा बेटी, हेलो। मैं भाई। मैं कौन? क्या क्या खबर है? भाभी को फॉलो कर रहा हूँ भाई, छोटे कपड़े नहीं पहने भाई। बार बार उसके बारे में खबर देते रहना। ओके भाई। अरे यार, अभी तक अपनी आइटम नहीं आई रे, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। आ गई यार। हाँ यार, आ गई रे। मस्त मस्त तू चीज बड़ी है, मस्त तू चीज। मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तुम मोरनी जैसी चल रही हो इसलिए चांदनी। मोरनी की खूबसूरती पीछे से नहीं, सामने से देखो। बस कंडक्टर के अलावा ऐसा बोलने वाली तुम ही हो चांदनी। कौन हो तुम लोग? रोड रोमियो समझ लो, चीड़ी मार समझ लो। अगर तुम्हें गर्मी चढ़ी हो तो ठंडा करने वाला हमें फैन समझ लो। ए, बहुत गर्मी चढ़ गई क्या? थर्मामीटर भी टूट जाएगा, इतनी गर्मी चढ़ी है मेरी चांदनी। ऐसा है क्या? तो किसी कुएं या तालाब में क्यों नहीं डूब जाते, तो ठीक हो जाओगे। इस तरह हमारे घर में कम नहीं होने वाली बुलबुल। अच्छा? आपके घर में बताकर अपनी पसंद की लड़की से शादी करो, सब ठीक हो जाएगा। हम सबकी पसंद तो तुम ही हो ना, आप सब लोग। हाँ, इसमें क्या गलत है? एक कॉफी को 1/3 करके नहीं पीते क्या? हाँ। एक सिगरेट में 3 लोग दम नहीं मारते क्या? ऐसे समझ लो। ऐसे ही मेरे पास भी आप सबको मारने के लिए सैंडल है। तुम सैंडल से मारो या हमारी चमड़ी उधेड़ लो, हम सब तो तुम्हें चाहते हैं। नहीं तो? तो तुम ना मिली तो कोई बात नहीं, बस तुम्हारा पल्लू मिल जाए तो भी चलेगा। पल्लू क्या? हाँ, जैसे भगवान का प्रसाद खाने से पुण्य मिलता है, वैसे ही तुम्हारा पल्लू मिल जाए तो हम समझेंगे तुम मिल गई। ओ, उसको पल्लू और मुझे ये ब्लाउज पसंद है। मुझे लहंगा। अच्छा, मैं कैसे रहूं? मल्लिका की तरह।
अच्छा 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 अच्छा, आपकी आशा पे क्यों मैं पानी फेरूं? आइए आगे खड़े हो जाइए। मुझे भी ज्यादा कपड़े पहनना पसंद नहीं है, क्या करूं? हमारे घर में एक बुढ़िया है, उसी के डर से मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ। Ready, ready,
हमारे हॉस्पिटल में भर्ती हुए इस पेशेंट का केस बहुत ही अजीब है। पेट में बहुत जहर होने और सिर पर गहरा घाव होने के बावजूद भी वो जिंदा है। इट्स जस्ट अ मिरेकल। स्कैनिंग रिपोर्ट के मुताबिक उसके सिर को गहरी चोट पहुंची है। शायद जब वो ऊपर से नीचे गिरा हो तब हुआ होगा, या किसी के उसके सिर पर रॉड से जोर से वार करने से हुआ होगा, जिस कारण उसकी याददाश्त खो गई है। सो वो अभी अमनीशिया में है। यानी कि उसकी याददाश्त वापस आने के कोई चांसेस नहीं है सर? ऑफ कोर्स ही कैन। इसके लिए मरे हुए सेल्स को रिएक्टिवेट करना पड़ता है। उसका माहौल, उसके अपने करीबी लोग, इन सब की सहायता से हम उसकी खोई हुई याददाश्त को वापस ला सकते हैं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, अमनीशिया पेशेंट को इंजेक्शन लगाने के वक्त वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इधर देखो, अर्जेंट ब्लड बैंक जाकर दो बोतल एबी नेगेटिव ब्लड लेकर आओ। सर, एबी नेगेटिव ब्लड स्टॉक में नहीं है। ओह, तो तुम्हें कहीं और ट्राई करना था। कहीं नहीं मिल रहा सर। ओह गॉड। एक काम करो, सभी मीडिया के माध्यम से अनाउंसमेंट करो, कोई भी डोनर हो उसे हमारे हॉस्पिटल से तुरंत कांटेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करो। कम ऑन, बी क्विक प्लीज। तुम्हारी दादी कहती है संकाष्टी के दिन दाल चावल खाओ, और तुम यहाँ पिज्जा और बर्गर के मजे ले रही हो। ये सब चीज खाने से अच्छी नींद आती है यार, ताजी चीज का मजा बासी चावल ने कहा। मैसेज यार। क्या मैसेज है? जोक है यार, किसी को अर्जेंट एबी नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। मेरा तो ओ पॉजिटिव है, बच गई। बट मेरा एबी नेगेटिव है। मतलब डोनेट करना चाहती हो क्या? किसी की जान बचानी हो तो क्यों नहीं करना चाहिए। थैंक यू। इट्स ऑल राइट डॉक्टर। सही वक्त पर आकर ब्लड डोनेट करके एक व्यक्ति की जान बचाई तुमने। इसलिए कि ये बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, मिलना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर, फर्दर कुछ मदद चाहिए हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा नंबर है 9980011 8। ओके। अच्छा बेटी। ओके थैंक्स। ओके थैंक्स। बाय बाय। तुमने जिसको ब्लड दिया उसने जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की, उसका खून करने की भी किसी ने कोशिश की। उसको देखकर
तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि वो क्रिमिनल है? वो क्रिमिनल हो या कोई और हो, उसे ब्लड तो मैंने इंसानियत के नाते दिया, और क्या। ये गोली लो। तीन केस। हाँ, सर। क्या हाँ बोल रहे हो? रोपड़ पट्टी वालों को क्या समझ रखा है? अगर वो लोग चाहें तो तुम्हारे बेटे की एक हड्डी भी सलामत नहीं छोड़ेंगे। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर रामकृष्ण, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। बोलिए क्या बात है। वो अमनीशिया के पेशेंट को मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ, अगर आप कोई स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ए डॉक्टर, मैं खुद ही बहुत टेंशन में हूँ, अगर आपको इतना इंटरेस्ट है तो आप ही स्टेटमेंट लेके उसका अंगूठा लगवा के भेज दो। आइए। यह आपकी जेब में था पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, यह आपका आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड, बहुत डैमेज हो गया है, नहीं तो इस नंबर की सहायता से आप कौन है इस बात का पता लगा सकता था। आपको ऐसी हालत में अकेला भेजने के लिए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, बट नो वे। वैसे भी आपको इधर एडमिट करने वाले रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर मेजर चंद्रकांत हैं, उनसे आपके बारे में जानकारी लेने की मैंने बहुत कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। और एक बात, सही समय पर आकर अगर उस लड़की ने आपको अपना खून नहीं दिया होता तो आपको बचाना बहुत मुश्किल था। नंबर चाहिए? देता हूं। इसको देखिए, सूरज नाम है। हाँ। इंग्लैंड में है, इंडियन करेंसी के मुताबिक 1,25,000 रुपीज पगार है। ओहो, एक ही बेटा है। किसको? इसके माँ बाप के। ओहो, मेरी पोती परंपरावादी है, उससे मेल जुल खाने वाला को कोई लड़का हो तो बताइए। ऐसा वर भी है, ये फोटो देखिए। अले ले ले, वो ही आ गई। आओ बेटी, लड़के का फोटो देखो। आओ बेटी आओ। ये सब क्या है दादी माँ? तुम्हारे एग्जाम खत्म होने आए, बहुत जल्दी तुम्हारी शादी करके तुम्हें दूल्हे के घर भेज दिया जाए तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। क्या दादी माँ, मुझे एक बार भी नहीं पूछा। क्या पूछना था? मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं। क्यों बेटी, तू ऐसा क्यों कर रही है? वो मैंने एक लड़के को पसंद किया है। अरे रे 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 रे, तुझे कैसे सूची रे दुर्बुद्धि, तुझे तो। माँ क्यों झगड़ा करती है उसके साथ? हमने नहीं किया तो भाग कर शादी कर लेगी, इससे अच्छा है हम ही उसकी शादी कर दे, हमारी इज्जत भी बच जाएगी। पूछो कौन है वो? करेक्ट, वो कौन है बताइए, मैं ही डील करूंगा। तुम कैसे ब्रोकर हो? मैरिज। तो ये तुम्हारा डील वील का क्या मतलब है? ठीक है बताओ वो कौन है। आपकी नातिन भी कुछ कम नहीं है। क्या हुआ? मस्ती। क्यों रे? माजी, इसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे भी हो गए हैं और वो घर परिवार के साथ सुखी भी है। कोई बात नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपकी नातिन ने जिसे पसंद किया है वो दूल्हा देखिए। क्या है रे बचपना? और क्या दादी माँ,
मैं कौन हूँ? मेरी पोती हो। हाँ, तुम्हारे दिखाए रास्ते पर ही चल रही हूँ, तुम्हारी सिखाई बातों पर अमल करके मैं बड़ी हुई हूँ। मुझे ही लड़का पसंद करने को कहती हो? दादी माँ, तुम जिस किसी लड़के को पसंद करोगी उसी के हाथों बली के बकरे की तरह सिर झुकाकर मंगलसूत्र पहन लूंगी। सुना क्या रे मूर्ख, मेरी पोती की बात, मेरा संतोष इसी में। अब मैं आज ही मर गई तो कोई परवाह नहीं। थोड़ा आराम से, इतना खुश मत हो। अगर बारिश जोर से आ रही हो तो मतलब आगे कोई इलेक्ट्रिक खंभा या पेड़ सिर पर गिरने वाला है। हेलो, किसने मिस कॉल दिया है? मैं भाई की तरफ से। इस तरह मिस कॉल देने का क्या मतलब है तुम्हारा? बैलेंस खत्म हो गया है समझ लो। अच्छा, क्या बात है बोलो। सुना है तुम्हारा रिश्ता हो रहा है, ये ठीक नहीं है। मुझे भी ठीक नहीं लगा, इसलिए दूसरा ढूंढने के लिए कहा है। भाई को ये सब पता चला वो अपसेट होंगे। जहर दे दो, एक ही बार में लुढ़क जाएगा। सुनो, तुम सिर्फ भाई की हो। ए, तेरे भाई ने समझ के रखा है उसकी प्रॉपर्टियों में, जो भी आएगा बोर्ड लगा जाएगा। ए, मजाक मत करो, हमसे फालतू में पंगा किया ना तो क्या होगा बाहर आके देखो। क्या रे तेरा लफड़ा? लफड़ा हमारा नहीं, बस तुम शादी के लिए मान जाओ। ए बब्बन, चल रहे। हेलो, कितनी बार बोला तुझे, समझता नहीं है क्या? फोन रखो। हेलो, कौन बात कर रहा है? मुझे आपने ही ब्लड दिया था, ऐसा डॉक्टर ने मुझे बताया, इसलिए। ओ, आप हैं, कैसे हो आप? अच्छा हूँ, आप आपसे एक बार मिलना चाहता था। सॉरी, मैं अभी बिजी हूँ। देखिए, मेरा यहाँ किसी से परिचय नहीं है, इसलिए आपसे मिलकर बात करनी थी। ठीक है, अभी आप कहाँ हैं? मलाबार हिल, ICICI बैंक के सामने हूँ। ठीक है, आती हूँ। ये लो। यस, मैं आपकी क्या मदद करूँ? ए साहब, क्या फिर से बताना पड़ेगा? लोन अप्लाई किए हुए 15 दिन हो गए, मेरी एप्लीकेशन का क्या हुआ? हाँ, पंद्रह दिन से इसे कचरे के डब्बे में डाल रखा है क्या? ए मिस्टर, उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होती है। ये बात पहले ही बताना था ना, उसको छोड़ के नहाने पर, खाने पर, ड्राइविंग पर 50 बार फोन करते हो और अभी देने के लिए तकलीफ हो रही है। देखिए, आपकी श्योरिटी के लिए फॉर्म पर किसी का साइन होना जरूरी है। उसके लिए आप है ना, कर डालो। ए, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, ये बात है, आप इसके योग्य नहीं है क्या? देखो, लोन लेने के लिए तुम्हारी कोई गारंटी देने वाला होना चाहिए। अच्छा, बस इतना ही ना, एक मिनट। ये क्या, ये 2 लाख रुपयों के लिए तुम प्राइम मिनिस्टर का सिग्नेचर लाए हो? हाँ जी, उनको सारा देश जानता है। अगर आपने कर्ज नहीं चुकाया तो क्या वो चुकाएंगे? चुकाना पड़ेगा, वो इतना सारा कर्ज लेके पब्लिक पर डालते हैं ना, हम उनसे पूछते हैं क्या? चुकाना ही पड़ेगा। पॉइंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको कर्ज क्यों चाहिए? 3 महीने से घर का किराया नहीं चुकाया, इस महीने का लाइट बिल नहीं भरा, पिछले महीने का वाटर बिल नहीं भरा, मोबाइल बंद हो गया है, राशन वाले का बकाया चुकाना, मेरे दर्द हजारों है साहब, कर्ज दे दो ना। दे दो ना। वैसे आप काम क्या करते हैं? मैं नौकरी करके पगार लेने वाला होता तो आपके पास क्यों आता? तो फिर बैंक का कर्ज आप कैसे चुकाएंगे? और एक बैंक में अप्लाई करूंगा, वो मिलते ही आपका कर्जा चुका दूंगा। उस बैंक का? और एक बैंक, मुंबई में बैंकों की कमी है क्या? स्टूपिड सिक्योरिटी। ए साहब, मैं जाने से मना किया है क्या? आपका बैंक नहीं तो रिजर्व बैंक तो है ना? चलिए, क्या यही एक बैंक है क्या, और कोई बैंक नहीं है? ए, आंखों से आसमान को देखकर चल रहे हो क्या? देख कर नहीं चल सकते, अंधा कहीं का। सर, क्या है इंक्वायरी? उधर है, कहां से चले आप? 10,000 है क्या? कमीशन 30 रुपए होता है। इन्हीं के कैश को स्पेंड करना पड़ता है। उधर ही। यस यस यस। अकाउंट का डिटेल चाहिए। डिटेल चाहिए? अकाउंट नंबर बताइए। 2719
आगे स्क्रैच हुआ है, दिख नहीं रहा। अच्छा काट दिखाओ। आगे स्क्रैच हो गया है इसलिए। अरे ये क्या, खून लगा है? कार्ड आपका ही है? कार्ड मेरा ही सर, जब चोट लगी तो। ठीक है देखता हूँ। नाम बताओ। नाम तो बताओ। नाम, नाम मालूम नहीं सर। ओ तुम्हारा नाम तुम्हें ही पता नहीं? इसीलिए तो डिटेल चाहिए मुझे। किसी और के कार्ड से फोर्जरी कर रहे हो क्या? किसका है ये कार्ड? फोर्जरी नहीं, कार्ड मेरा ही है, मैं पेशेंट हूँ, मुझे याद नहीं। किसी और का कार्ड लाके नाटक कर रहे हो क्या? ए वॉचमैन इसे बाहर निकालो। सर थोड़ी सी डिटेल दीजिए मुझे प्लीज। अरे मुझे बार कुछ भी याद नहीं आ रहा। दिमाग खराब कर रहे हो? तुम जाते हो या पुलिस को बुलाओ? मैंने डिटेल मांगा तो पुलिस। आउट इससे। क्यों जंगलियों जैसा बर्ताव कर रहे हो? मैं क्या खून करने आया था? एक पेशेंट हूं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, डिटेल मांग रहा हूं तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है क्या? वो पुलिस। चलो 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 जल्दी। रेडी। ओह नो, मैं कहाँ फंस गई आज? पुलिस भी इसके पीछे पड़ी है, अब मैं क्या करूँ? गाड़ी चला रही हूँ ना मैं। इंस्पेक्टर, हमारी सिक्योरिटी को जरा भी मौका नहीं दिया, उनको पकड़ के पीटा, उनकी पिस्तौल भी छीन लिया। आपके पुलिस वालों को भी वो डराकर यहाँ से फरार हो गया। इस इंसिडेंट से ऐसा लगता है अकाउंट्स डिटेल कलेक्ट करके शायद पैसा लूटने की प्लानिंग थी उसकी। दिखने में मजबूत था, शक्ल सूरत से अजीब था, कोई भी उसके शक्ल सूरत को देख कर उसे अच्छा आदमी नहीं कह सकता। इंस्पेक्टर तूने सच बोला, बिल्कुल जोशी की जैसे। मेरे उधर पहुंचने से पहले शायद उसने दो आदमियों को पीटा था, पुलिस भी उसके पीछे पड़ी थी। ए, तुझे पता है? कौन सी बात? उसके हाथ में रिवॉल्वर थी यार। मैं सीरियसली बात कर रही हूँ और तुम होगी कोल्ड ड्रिंक डाल रही हो। ये लो कूल डाउन, मैंने तो उसी दिन बताया था कि शायद ये क्रिमिनल है। ऐसे आदमी को तुमने अपना खून दिया और अब देखो तो उसे पुलिस से भी छुपा कर रखा हुआ है। आगे क्या होगा राम जाने। मुंह बंद कर अपना, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, अब मुझे डराने की कोशिश मत कर तू। और क्या रे, ऐसे आदमी को मेरे घर पर लेकर आ गई। और मैं कर भी कह सकती थी, पुलिस हमारा पीछा कर रही थी, हम पकड़े जाते तो मैं भी उसे सपोर्ट कर रही हूँ, ये सुनकर मुझे भी अंदर कर देते। जिसको मैं जानती ही नहीं उसके साथ मैं कैसे रहूं? और मैं क्या करूं? वो मेरे मामा का बेटा है या मेरा कुलदीपक? सिर्फ एक रात, कल मैं इसको किसी भी तरह भगा दूंगी। अरे ऐसा नहीं यार। ओ मेरी माँ, प्लीज मैं चलती हूँ। बाय। हाय। ए, आप लोग इंसान हो या पागल कुत्ते? जब देखो मुझे फॉलो ही करते रहते हो। वो भाई का ऑर्डर है। आपको कितनी बार बोला ऐसे कपड़े पहन के घूमना नहीं? वो मेरी मर्जी है। लेकिन भाई को ये पसंद नहीं है। मैं तेरे भाई की गुलाम हूँ क्या? ऐसा है तो तुम्हारी जगह ये नहीं है, तुम्हारी जगह कहीं और है। चलो चलो। ए, पहले तुम लोग इधर से दफा हो, नहीं तो सैंडल से इतना मारूंगी ना तुम लोगों को। ए भिड़ू, हम चुप है तो ये कुछ ज्यादा ही बोल रही है। ये उठा रहे इसको। ए, 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 ए,
यहाँ और है। भाई को ऐसे कपड़े पसंद नहीं, चलिए यहाँ से। किस लिए? चलो ना भाभी, चलो। भगवान, भाभी कपड़े उतार दो। किस लिए? उतार के दो ना भाभी। ठीक है। लारे आपको इस ड्रेस में देखने के लिए भाई कितने दिनों से बेचैन थे, आपको पता है? अगर भगवान प्रकट होकर वरदान देने वाला हो तो भाई आपको ही मांग लेते। सच कहा जाए तो आज का ये दिन सुनहरी अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। ज्यादा नौटंकी नहीं करने का। वो कौन है तेरा भाई? माँ के आंचल में मुंह छुपा कर बैठा है बुजदिल। उससे कहो अगर हिम्मत है तो सामने आए। भाभी भाई तुम हो छी? और कितने दिन मुझे इस तरह सताओगे तुम? मैं सता नहीं रहा हूँ, प्यार से तुझे पाने की बस जिद है। हाँ नहीं, ये पागलपन है। तुम चाहे कुछ भी कह लो, मेरा प्यार गंगा नदी की तरह पवित्र है। ये थोपड़े को गंगा माता से मत मिलाओ। ये नहीं तो हवा जैसा पवित्र है। दम घुट के मर जाओगे। या आग जैसा हो तो? जल के राख हो जाओगे। आग पे जलकर कोयला हो गया तो भी परवाह नहीं, तेरा प्यार चाहिए मुझे। आई एम इन लव। तुम सब बोलो रे, बोलो। हाँ भाभी, उनकी प्रेरणा है आप, उनकी ताकत है आप, उनकी जिंदगी का चिराग है आप, प्रसाद के फूल है आप। वो पूजा करे ऐसी देवी है आप, उन्हें प्यार करे ऐसी बीवी हो आप। प्यार करो, प्रेम करो, प्यार करो, प्रेम करो, प्यार करो। अरे बाप रे, मार डाला। ए मैं जैसे भी कपड़े पहनूं, कैसे भी रहूं, मुझसे पूछने वाला तू होता कौन है रे? दोबारा ये छोकरों को मेरे पीछे भेजा या मुझे तकलीफ दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना बदमाश? ए, तुझे कौन सा ऐसा महारथी मिल जाएगा? किस घमंड में है तू? हमारे जैसे जिगरी दोस्तों को छोड़कर जा रही है? तेरे खेल और तमाशे को एक नए दिन फुल स्टॉप नहीं लगाया तो मेरा भी नाम नहीं समझी। भाई, तुम्हारा नाम मत लो, कहाँ जाएगी? मैना ओ मैना, ये क्या तेरा गाना है? इसे क्यों खा रहा है? वापस दो, ए वापस दे। मूंगफली है खाने के लिए, मूंगफली लाया था मैंने, पैसे दिए मैंने, तो खाऊंगा भी मैं ही। चाहिए तो ये छिलका खा लो। मैं और तू मिल बांट कर खाएंगे, सुख और दुख को भी बांट के जिएंगे। मगर क्यों, क्या तू मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, या मेरा बंधु या जीजा? अरे मैंने कहीं तुझे देखा है। कहाँ? अरे बाप, थोड़ा दूर हटो, तुम्हें कहीं देखा था, बस इतना ही। कहाँ कहाँ देखा था? वही पूछ रहा हूँ, कहाँ देखा था? फिर पूछ रहा हूँ, कहाँ देखा था बताओ। अरे बाप रे गुरु, भैया चाहो तो मूंगफली खाओ, मगर मुझे छोड़ दो, मेरे दिमाग का दही होके फट जाएगा। पहले से मेरी याददाश्त कमजोर है, मुझे कुछ याद नहीं है। भैया छोड़ दो। याद करो नहीं तो मार डालूंगा तुझे। याद करो, याद करो। इससे कैसे बचा जाए? हाँ याद आ गया, याद आ गया। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। बोलो। वो उसको मालूम है। किसको किसको? अरे
वक्त यहाँ सो रहा है? ओए, ओए। उठो यहाँ से, उठो। ए, ए, ए। चलो उठो, उठो, उठो। उठ रहे। कौन है तू? यहाँ पर सोना मना है, तेरे को पता नहीं क्या? ऐसे क्या घूर रहा है? तेरी तो चल भाग भाग यहाँ से। ए, कौन है तू? ए, अबे कौन है तू? घबराने की कोई बात नहीं, ये मेरी दोस्त अंजलि का घर है। बैक टू पवेलियन। और मैं ही तुम्हें इधर लाई। मुझे यहां क्यों लाई हो? मैं मदर टेरेसा हूं, समाज सेवा मेरा मकसद है। तुम महायोगी नारायण हो, तुम्हारे हाथों लोक उद्धार होना है ना, इसलिए। इतना गुस्सा तो फिर इसे इधर लेकर क्यों आई हो? ऐसी कोई बात नहीं है यार, मैंने ही उसे खून देकर बचाया। मेरी ही आंखों के सामने उस पर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैं कैसे चुपचाप रहूं? मुझे आपने खून दिया? हाँ। आप मुझे कैसे जानती हैं? मेरे बारे में आपको क्या पता है? मेरे बारे में बताओ, बताओ। आप कौन हैं? ये मैं नहीं जानती। मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरा कौन है, कहाँ है? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कोई गलती की है? मैं कौन हूं? आप अच्छे हैं या बुरे हैं ये बात हम नहीं जानते, लेकिन आप कौन हैं, कहां से आए हो, ये पता चलने तक आप इधर ही रह सकते हैं। अगर आपको हमसे कुछ मदद चाहिए तो हम हैं। यही दवाई कंटिन्यू करो, कोई बात नहीं, बहुत इंप्रूवमेंट है। डॉक्टर रामकृष्ण। हाउ इज द कंडीशन डॉक्टर? चोट लगने के कारण रिब्स को फ्रैक्चर हुआ है। कुछ दिनों पहले उस बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को भी इसी तरह चोट लगी थी। सर, अगर इन दोनों घटनाओं का तालमेल बिठाया जाए तो मारने वाला व्यक्ति एक ही है और वो मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट है। वो आदमी दिखता कैसे था? वो लंबा सा है। और कोई क्ल्यू? बहुत मजबूत है, देखने में आतंकवादी जैसा लगता है सर। ये तो आदमी एक ही है, नो डाउट अबाउट दैट। सर, इस आदमी की बातों से लग रहा है कि वो व्यक्ति हमारे ही हॉस्पिटल से अभी अभी डिस्चार्ज हुआ है। What you mean? हाँ सर, वो व्यक्ति जब मरने की हालत में था उसे मेजर चंद्रकांत ने ही लाकर इस हॉस्पिटल में एडमिट किया था। क्यों सर, ये तो आपके इंस्पेक्टर को भी पता है। सर, सॉरी सर, उस दिन कोई अर्जेंट केस था। शट अप। पुलिस को अर्जेंट, छोटा या बड़ा केस, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी एक जैसे हैं। सॉरी सर, दोबारा ये गलती नहीं होगी। आप जैसे गैर जिम्मेदार ऑफिसर के कारण ही डिपार्टमेंट बदनाम होता है। यूज़लेस सर,
बैंक से जिस कार में फरार हुआ उस कार की डिटेल से सर। प्रिया डॉटर ऑफ चंद्रकांत नंबर 77 विराट नगर फर्स्ट स्टेज मुंबई। एडमिट किए वो चंद्रकांत जी, गाड़ी के ओनर प्रिया डॉटर ऑफ चंद्रकांत। इतना ही नहीं सर, ब्लड डोनेट करने वाली लड़की का नाम भी प्रिया है। वो कोई मामूली आदमी नहीं है, इसी मकसद से ही इधर आया है। बैंक सिक्योरिटी वालों को ही नहीं, पुलिस को भी मारकर भाग गया है। इज इट? मुझे नहीं पता था। यस सर, उसे ब्लड देकर उसकी जान बचाने के अलावा पुलिस के हाथ लगने से उसे बचाया भी। हमारे पास पक्का प्रूफ है। हे भगवान, देखा, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। अरे अरे, मेरी पोती ऐसी नहीं है। ऐसी नहीं है तो उस क्रिमिनल का सपोर्ट क्यों किया? देखा क्या, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। अब देखो पुलिस के दरवाजे पे है। लेकिन वो अभी तक घर नहीं लौटी है, आप चाहे तो तलाशी ले सकते हैं। सर, हमारे देश की रक्षा करने वाले आप जैसे योद्धाओं के प्रति मेरे मन में इज्जत है। बेटी के घर आते उसे पुलिस स्टेशन लाइए। डोंट वरी ऑफिसर, गलती कोई भी करे वो गलती ही है। चाहे वो गलती मेरी बेटी ने ही क्यों ना की हो, वो जैसे ही आती है मैं उसे खुद पुलिस स्टेशन लेकर आऊंगा। थैंक यू सर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। इट्स ओके। नसीब वाली है, भगवान करे तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए और सुखी रखे। सुनो बेटा, सब पर कृपा करने वाला भगवान तुम्हारी याददाश्त को वापस लाने के साथ साथ तुम्हें दौलत इज्जत भी देगा, ये मुझे यकीन है। रात और दिन धरती को उजाला देने वाले सूरज और चांद को भी ग्रहण लगा है, इंसान की क्या बात। ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी में लगा ग्रहण भी छूट जाएगा और एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। दिल में है तुझे घर में,
पढ़ने दो दिल की बेताबियां, होने दो प्यार में गुस्ताखियां, हो जाने दो नादानियां, मिट जाने दो मदहोशियां भी छाने लगी, चढ़ने लगा है नशा, आ तुझे चूम लूं और करीब आओ तुम, बनके घटा छा जाओ तुम, तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, तुझो नहीं तो कुछ भी नहीं, ये शर्म हया छोड़ दो, बंधन सारे तोड़ दो, फिर ये पल मिले ना मिले, आओ जी भर के आज जी ले, तुम हो हसी और मैं जवान, उस पे समा है मेहरबान, बैंक में पैसे भर के आता हूँ, गाड़ी साइड में लगा। ठीक है सर। अभी तक तुम जिंदा हो? Oh, my God.
बारे में क्या जानते हो? भाई अब तक जिंदा है। क्या बोला रे तू? हाँ भैया, शहर में है, मैंने अपनी आंखों से देखा। जहर पिलाया तो भी नहीं मरा, तलवार से टुकड़े किए तो भी मिट्टी के कर से मुक्त नहीं हुआ, तो वो अमृत के घुट्टी पीने वाला राक्षस हिरण्यकश्यप तो नहीं? इसी तलवार से काटा था उसको। क्या मेरी तलवार धोखा दे गई? उसे मरा हुआ देखने वाली मेरी आंखें धोखा खा गई क्या? मेरा शिकार किया हुआ शेर फिर से जाग उठा? क्या है ये सब? मैं सच कह रहा हूं भाई, तुम जिस शिव की पूजा कर रहे हो उसकी कसम। महादेव, 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 पिताजी, काका की बात अगर सच है तो मुंबई की दहलीज पर नरसिम्हा की तरह उसके पेट की हथेली फाड़ के गले में माला की तरह पहन लूंगा। वो तीनों लोगों को छोड़ के माँ के पेट में भी छुप जाए तो उसे ढूंढ के दफनाने के बाद ही अपने लोगों को खीर खिलाऊंगा। हम आपके सिर्फ बेटे नहीं, उसके लिए मृत्यु दूत हैं। उसका सिर काट के उसके खून का अभिषेक करूंगा। आपके दिमाग की गर्मी को ठंडा नहीं किया, समझ लो हम आपके बेटे नहीं। Hello, yeah. I am Raghu from Mumbai. Can you please connect me to Mr. Rocky? Just a moment. Sir, call for you. Coffee? Coffee. Thanks. क्या सोच रहे थे? उसने मुझसे ये क्यों पूछा कि तुम अभी तक जिंदा हो? अब तक मैं ये सोच रहा था कि मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन अब लगता है कोई मुझे मारना चाहता था। अगर मैंने जहर लिया होता तो मुझे गहरा जख्म कैसे होता? मुझे किसने मारा, क्यों मारा, यही सोच रहा था बस। उसकी बातों से लगता है शायद वो मुंबई का है, मतलब तुम भी वहीं के हो, या फिर कभी गए हो तब कुछ हुआ हो। सब कंफ्यूजन है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए पुलिस के सामने सरेंडर होना पड़ेगा। नहीं, 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 नहीं। ऐसा मत करना। तुम क्या चोर हो, क्रिमिनल हो, अच्छे हो या बुरे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से पुलिस भी तुम्हें ढूंढ रही है। अगर तुम पकड़े गए तो बिना पूछताछ के तुम्हें कैद में डाल दिया जाएगा। ऐसा हो गया तो तुम कौन हो ये कैसे पता चलेगा? और शायद तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे हो। ये सोचकर चुप बैठे रहे तो आपको भी तकलीफ। पुलिस में सरेंडर हो के एटलीस्ट। Oh!
जनरल है, आज हम खत्म गए। तुम्हारी बात उसी दिन सुन लेनी चाहिए थी। अब हम लोगों का यहाँ रहना ठीक नहीं, लेट्स गो। कहाँ पर? पता नहीं। हाँ? इधर रहे तो इसका इल्जाम मुझ पर आएगा। हाँ? साथ में तुम्हें भी अरेस्ट करेंगे। हाँ? ये क्या, देखना कर भला तो हो भला, हम तो इसकी मदद करके फंस गए, हम क्या करें, हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। सर ये उसका फोटो। ये मिस्टर इधर आओ। आई एम पिंटो। यस सर। इन दोनों में ये फ्लैट किसका है? ये इस लड़की का सर। तो फिर ये लड़की? इसकी क्लोज फ्रेंड, कभी कभी आती थी। इन दोनों के अलावा और कौन कौन थे? कुछ दिन पहले तक तो था वो, देखने में मेरे जैसा, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा लंबा, छोटे छोटे बाल और कठोर था सर। उनकी और कोई पहचान? दूसरा भूल गया ना, एक मिनट सर। क्या ये भी पागल से बात? सर पहचान वहचान कुछ नहीं है सर, उससे कुछ भी पूछो तो बात ही नहीं करता था सर, नाम पूछो तो भी चुप रहता था सर। हम जिसकी तलाश कर रहे हैं डेफिनेटली वो यही है। राखी इधर है, मतलब इसमें और उसमें कोई ना कोई संबंध है। श्योर, ये भी अंडरवर्ल्ड का आदमी है। इंसिडेंट होके आधा घंटा हुआ है, वो कितनी भी स्पीड से गया होगा तो 15 किलोमीटर से भी आगे नहीं जा सकता। सिटी आउट स्कॉट में नाकाबंदी लगाओ, किसी भी गाड़ी पे शक हो तो चेक करने के लिए बोलो। इस मैसेज को सभी मीडिया को इन्फॉर्म करके फोटो को टीवी में टेलीकास्ट करो, अंडरस्टैंड? यस सर। हम कहाँ है रे? कहाँ है वो बेताल, दिख नहीं रहा है। ए, यही सही मौका है, गाड़ी स्टार्ट करो, भागो, जल्दी करो बाबा। वैसे भी वो शैतान हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, देखो वो क्या कर रहा है वहाँ पे। भाई साहब कॉफी लो। और ये दो किसको देना है? गाड़ी में दे दो। अच्छा मैडम कॉफी ले लो। हमें कॉफी नहीं चाहिए। और क्या, चाय लाऊं? जाके थोड़ा जहर लाके दे दो। पूछ कर आता हूँ है या नहीं। तो तेरी की, सब हमें मरवाना चाहते हैं। तो फिर कॉफी ले लीजिए। ठीक है दो। मैडम आप भी ले लो, जल्दी पियो, चलना है। हैं? हैं? इन दोनों को कहीं तो देखा लगता है। ए उल्लू, उल्लू के जैसे क्यों देख रहा है? मैडम आप दोनों को मैंने कहीं देखा है? अभी तो देख रहे हो ना। अरे अभी नहीं, हाँ रात को टीवी पर देखा है। हाँ, हम टीवी सीरियल आर्टिस्ट हैं, किसी सीरियल में देखा होगा। सीरियल में नहीं, सीरियसली देखा है मैंने। ले पकड़ो अपनी कॉफी, चलो जाओ यहाँ से। लो हमें नहीं पीनी कॉफी, जाओ जाओ यहाँ से, चलो जाओ। कंफ्यूज हो गए यार। अब चले, स्टार्ट कर लो। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, अब क्या करेंगे? सीधी तरह बोल रहा हूँ, सरेंडर हो जाओ। भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा, कोई चला कि नहीं। Oh!
तू अकेला है और कोई है तेरे साथ? बोल, तू अंडरवर्ल्ड या ये साइका एजेंट है? बोल, मुंह खोल रहे, मुंह खोल रहे साले, मुंह खोल। बैंक में सिक्योरिटी को मारा, पार्क में पुलिस पर हाथ उठाया, ऐसे क्रिमिनल को लाकर घर में कैसे रखा तुमने? कम ऑन, आंसर द क्वेश्चन। हे, बोलना। क्यों इन्फॉर्म नहीं किया? नहीं सर। वो ऐसा नहीं है सर। बैठो इधर, बैठो इधर, बैठो इधर, बैठो इधर, बैठो इधर। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। प्लीज सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए। वो एक पेशेंट है, उसकी जान बचाने के लिए मैंने खून दिया था। स्टॉप इट। वो कौन है? नक्सलाइट, टेररिस्ट या क्रिमिनल, न जानते हुए भी अपने घर में रखा? और इंसानियत की बात करती हो तुम? एटलीस्ट पुलिस को फोन तो कर सकती थी तुम। चलो, उसे मत मारिए सर। बैठो, चिल्लाओ मत, बैठो इधर, बैठो। सीधी तरह उसके बारे में सब कुछ सच सच बता दो। तुमने अगर सच नहीं बताया तो तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगी। सर 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 प्लीज उसे मत मारिए ना, बोलिए ना सर, मत मारिए उसे। उसने जो काम किया है गले में मारा डालकर आरती उतारे क्या? नहीं इंस्पेक्टर, वो पेशेंट है, अगर ऐसे मारोगे तो वो मर जाएगा। मरने दो, ऐसे कमीने जिंदा रहकर देश का क्या उद्धार करेंगे? माइंड योर लैंग्वेज इंस्पेक्टर, यू आर नॉट अ डिक्टेटर, यू आर जस्ट अ प्रोटेक्टर। अगर उसको कुछ हो गया तो तुम। शट अप, माइंड योर वॉइस, गो एंड आंसर द क्वेश्चन। स्टॉप इट। इसने कुछ बोला क्या? अभी तो कुछ बताया नहीं। पुलिस को बुद्धू समझता है क्या? कौन है रे तू? कौन है? सर, 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 कौन है सर ये? अजय कुमार सर नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। स्पेशल क्राइम ब्रांच मुंबई। आखिर में सब अच्छा ही हुआ ना। मिस्टर चंद्रकांत, यस, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? इस सब के लिए थैंक्स यू, इट वाज माय ड्यूटी। सर, आपने जिसे बचाया वो क्रिमिनल नहीं, मामूली आदमी भी नहीं, गरीबों के लिए देवता जैसा है। आदमी कितने दिन जीता है उसका महत्व तो नहीं, सिर्फ उसके महान कार्यों को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे महान आदमी में से सर एक हमारे एसी। क्राइम को दबा के, क्रिमिनल्स की रीढ़ की हड्डी तोड़ के हमारे डिपार्टमेंट को तिलक लगाने वाले ये हमारे एसीपी। जब कदम रखते थे तो न्याय ही लड़खड़ाने लगता था, कोई अन्याय की बात करे तो नीति भी कांप उठती थी, किसी ने कानून हाथ में लिया तो धर्म ही चौंक जाता था। वही है सर, द ग्रेट पुलिस ऑफिसर एसीपी अजय कुमार सर नायक। कल कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाली ये फाइल आप एक बार देख लेते तो मैं इसे सबमिट कर देता। कीप इट। सर, चाय बोलूं?
अजय कुमार हियर। अजय, आईजी हीरे मार्ग हियर। सर, मदनपुरा में कुछ गड़बड़ है, तुम इमीडिएटली एक्शन लो। अभी निकलता हूँ सर। सुशील। सर। गाड़ी रोको। उतरो। सर सर, गाड़ी इधर क्यों रोक दिए सर? इधर बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है, खा के चलेंगे। आओ। सर, उधर एरिया में गड़बड़ हो रही है और आप। हंसने के टाइम पर हंसना, रोने के टाइम पर रोना और भूख लगने पर खाना खाना चाहिए। टाइम क्या हुआ है? सर 1:30। खाने का टाइम है ना? खाना खाओ, चलो आओ। दो बिरयानी चाहिए। एक दो बिरयानी नहीं तो एसिडिटी हो जाएगी। सर सर आइए आइए, बैठिए सर। क्या चाहिए सर? चार बिरयानी। चार बिरयानी, बैठिए। पहले इधर रखो। तुम लोगों के चेहरे पर वारक क्यों बजे हुए हैं? अरे खाना खाओ। ये क्या है गुरु? चुपचाप खा लेना, सर मत खा। बहुत अच्छी है। हाँ साहब। यहाँ पर भेजा फ्राई बहुत अच्छा मिलता है, एक एक प्लेट। नहीं, 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 नहीं चाहिए। खाओ ना, हमारे डिपार्टमेंट के लोगों में यही कमी है। दो भेजा फ्राई जी। तारी मार के इन दोनों के लिए। साहब के लिए दो भेजा फ्राई। सर, अजय कुमार सर नायक लाइन पे आइए। अजय कुमार सर नायक, आई रिपीट, अजय कुमार सर नायक। रिसीविंग, ट्रैफिक जाम हो गया, हम इधर पहुंच रहे हैं। ओवर एंड आउट। तुम खाना खाओ। सर सर सर, मदनपुरा आ गया। हाँ सर, वो कहीं सैम्पलर देखो आया, सिनेमा वालों जैसा। लोग यही कहते हैं कि पुलिस हमेशा लेट आती है। देखा लेटा कि हमने कितना अच्छा काम किया। आधे घंटे पहले पहुंच गए होते तो इस लफड़े को रोक लेते हैं। फिर एविडेंस के लिए वही कोर्ट, लॉकअप और बेल। बाहर आकर लोगों को फिर तकलीफ देते ये लोग। देखा आप कैसे शांति से सो रहे हैं सब। इसीलिए आधे घंटे का बिरयानी ब्रेक। अब देखो नजदीक आके टोपी निकालेगा। ए, उतारना मत। ऐसे बदमाशों के लिए खाकी टोपी उतार के टोपी को बेइज्जत मत करो। अब देखना, बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस बुलाएगा। उठा पा। कुछ लोग रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं। और क्या जी, थोड़ा देर पहले आते तो सबकी जान बच जाती। अब एक सेकंड पहले क्या तुझे पता था कि मैं तेरे गाल पर मारूंगा? नहीं ना, जब सामने खड़े होकर आगे क्या होगा ये हमें मालूम नहीं होता है, तो पीठ पीछे होने वाले खून का हमें कैसे पता चलेगा? क्या हमें सपना आता है? कौन है ये सब लोग? आओ आगे आकर देखो। इन लोगों में कोई गांधी जी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसा नजर आता है क्या? एक एक पर 10-10 केस है। जिंदा रहते तो 100 केस और करते। आप लोग भी क्या दूध के धुले हैं? इंडिया पाकिस्तान मैच शुरू होने की देर है, तब काम धाम छोड़कर टीवी शोरूम मिल जाए, बस उसके सामने मुर्दों की तरह खड़े होकर तमाशा देखेंगे। रास्ते पर सांप का खेल हो तो वो भी देखते हैं, बंदर का नाच भी देखते हैं, खून का लफड़ा हो तो लाशें पड़ी हो उसको भी देखने खड़े हो जाते हो। कल अगर आपके घर वालों के साथ ऐसा हो जाए तो दूसरे लोग भी ऐसे ही खड़े होकर तमाशा देखेंगे। देखते रहो, करने के लिए कोई काम जो नहीं है। सुशील सर, कॉरपोरेशन को फोन करके ये कचरा साफ करवा दो। यस सर। ए, क्यों रे इतना लेट? पिक्चर क्या था? सुन रहे इधर आ। ए, और कोई काम जो नहीं है? छी, रोज यही दो ना, हाथ पांव धो के आजा, खाना लगाती हूँ। क्या खाऊं? दोपहर के खाने की बिरयानी अभी पची नहीं है, तुम खा लो। फिर इधर क्यों आया? वहीं पर सो जाता तू। अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। माँ सुबह से इंतजार कर रही, इस बात का ख्याल है तुम्हें? शांति थी, उसे भी भेज दिया। तुम्हें कहा जल्दी से शादी कर लो तो इनकार करते हो।
सुबह से शाम तक उल्लू की तरह अकेली रहती हूँ। खाने के लिए मना कर दिया इसलिए ऐसी बातें करने लगी क्या? अगर ऐसी बातें पसंद नहीं है तो खाना खा लो, चुपचाप। मैं भूला नहीं हूँ, वो ये क्या? घर में पूजा कर रहे हैं, सबको बताया कि नहीं? बताया नहीं क्या? सवेरे ही कहा था ना तुमसे, मेरा छोटा सा काम नहीं कर सकते तुम? चिल्लाओ मत, सबको बता दिया। शांति को? सबको बताता तो शांति को भूल जाता। नौटंकी कहीं का, सही वक्त पर आए हैं। हाँ जी। नमस्कार। हाय। क्या साहब, शादी फिक्स होने के बाद ड्यूटी भी लेट और पूजा में भी लेट? चलो। माँ सुशी। नमस्ते माँ। नमस्ते। ये उनकी बुढ़ी। नमस्ते, कैसी हो बेटी? ये सब हमारे नमस्ते नमस्ते माँ। बेटी चलो चलो चलो। माँ। हाँ? नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आप अच्छे कैसे हैं? हाँ अच्छी। हमारे साहब के रिलेटिव से। बाहर क्यों खड़े? बाहर क्यों खड़े? नहीं चलो ना। नहीं आऊँ। क्यों बेटी? आप भेजने पे रोते थे, अब आई हूँ तो हंस हंस के आरती उतार कर नहीं बुला सकते क्या? आरती उतार छोड़ो, उसे क्या कर रहे हो? माँ का हाल चाल पूछने के लिए रोज फोन करती है, परेशान करने वाले सास ससुर मिलते तब हमारी कीमत जानती, नसीब वाली है तू। अरे अरे, तकलीफ देने की सोचे तो तुम्हारा यूनिफॉर्म याद आता है। आने वाली बहू हो तो उसे पीड़ा दे सकती थी, लेकिन बेटी को दुख पहुँचाने का मुझे मन नहीं होता। इतनी जल्दी सबको मुट्ठी में कर लिया? आप ही की मेहरबानी है। हाँ जय, तुम्हारी बहन घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेकर हम सबको रिटायर कर देगी। क्या हुआ माँ? बच्चों को पैदा करना काफी नहीं, चार लोग तारीफ करें तो माँ बाप का जीवन सफल हो जाता है। तुम दोनों ने उसे करके दिखाया, तुम दोनों इसी तरह से रहना। ठीक है ठीक है, माँ बेटी बातों में ही डूबी रहोगी या पूजा करने भी आओगी? ये है फूल तेरे लिए माँ, ये है भोग तेरे लिए माँ, दीप जले हैं तेरे लिए स्वीकार तुम करो। ये है फूल तेरे लिए माँ, ये है भोग तेरे लिए माँ, दीप जले हैं तेरे लिए स्वीकार तुम करो। तेरी दया है सब तेरे पे, सलामत की रक्षा करते जग में है अपार बड़ी महिमा तेरी माँ। तेरी पूजा माँ जो भी है करे, जीवन में वो प्राणी कभी दुख ना पाए। जय 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 माँ, तेरी कृपा से जग ये चले, सच्चे मन से तेरी माँ महिमा हम गाए। जय 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 माँ, जग ये सारा दास है तेरा, बिना तेरी मर्जी के पता ना हिले। तू है दयालु तू कृपालु, सबको मार लगाए तू, करुणा माई भोली वाली है। सबकी माता जग की जननी, सबके काम बनाए तू। भोली माँ सच्ची माँ, दुर्गे माँ सबकी माँ, भोली माता सच्ची माता सबके काम बनाए तू। तू है ममता की देवी, तेरे जैसा ना कोई भी, तू ही माँ देती है सहारे सबको, भव से तू ही तारे। तू ही माँ देती है सहारे सबको, भव से तू ही तारे। अम्बे जगदम्बे तेरे नाम है कितने, तू भवानी तू दुर्गा, तू है माँ कल्याणी। बोलो 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 बोलो। तेरी पूजा माँ जो भी है करे, जीवन में वो प्राणी कभी दुख ना पाए। जय 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 माँ, तेरी कृपा से जग ये चले, सच्चे मन से तेरी माँ महिमा हम गाए। बोलो मिलके बोलो, जय हो देवी माँ, सारे बोलो झूम के बोलो, जय हो देवी माँ।
शरण में हमको माँ तू ले ले, चरणों में अपने तू जगा दे दे। माई महामाई है सहारा तू सबका, दुख हरती सुख देती कर सब पे दया तू माँ। तेरी पूजा माँ जो भी है करे, जीवन में वो प्राणी कभी दुख ना पाए। ये सारा दास है तेरा, तेरे बिना मर्जी के पत्ता ना हिले। तू है दयालु तू कृपालु सबको पार लगाए, तू करुणा माई भोली भाली है। तू है मैया, हे हे जय हो मैया। आजकल पुलिस से ज्यादा पत्रकारों में हमसे पहले आपको खबर लग जाती है। मैं कर रही हूँ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, हमें खबर हो ही जाती है। अजय, तहका.com जैसा हमारा भी एक सत्या.com नेटवर्क है, उसके जरिए मुंबई आर्मी बेस में चल रही वेपन्स डील के बारे में और उसमें इन्वॉल्व हुए सब वीआईपी के मूवमेंट्स को हमने रिकॉर्ड किया है। उसके आधार पर ही मैंने ये न्यूज लिखी। हाँ, लिखा होगा, लेकिन वो वीआईपी लोग कौन है? तो वैसे फोन पर जवाब दे दे के हम थक गए हैं। आप पत्रिका में ये भी तो लिख सकते थे कि वो लोग कौन है। नाम तो बता सकती हूँ, लेकिन वो लोग फंसने के पहले ही अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो सबूतों को मिटाने की कोशिश करेंगे। ओके, मान लेता हूँ, पर हमें तो बता सकते थे ना। इससे पहले भी मिलिट्री एरिया में ऐसा हुआ था, हमने वेपन स्टील के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी, मैंने खुद कंप्लेंट लिखवाई थी। उससे क्या हुआ, मेन पर्सन आसानी से बच गए। ऊपरी दिखावट के लिए वो वेपन इंचार्ज सिक्योरिटी को गिरफ्तार करके और उसे पागल करार देके उस केस फाइल को पूरी तरह दबा दिया। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी आपको हम पर यकीन नहीं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, बस जनरल बात कर रही हूँ। मैंने भी मजाक ही किया। अजय, देश के रक्षा के लिए रखे हुए शस्त्रों को बेचकर धन कमाना ये भी कोई जीवन है क्या? ये तो अपनी ही माँ को बेचने समान है। इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म का काम डेंजरस है, ऊपर से एक औरत होते हुए आपने ऐसे साहसी काम को अंजाम दिया, उसके लिए बधाई। आपकी इस जंग में जीत हो, क्या मैं इसके लिए आपको एक सुझाव दूं? केस से संबंधित सभी रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज जज के सामने प्रोड्यूस कीजिए। फर्दर इससे संबंधित चाहे कोई भी वीआईपी हो। वैसे भी तो कुंती पुत्र को राज्य नहीं मिला, ये माया जैसे लोग जब तक हैं हमें चैन नहीं मिलेगा। वो किसी को चोर बताया तो आप क्यों जमानत लेने के लिए तैयार हो गए? हम दोनों में से चोर कौन है ये पता लगाना अजय कुमार के लिए मुश्किल नहीं है। ये वेपन्स डील करने वाले हम इस समाज के नामी व्यक्ति हैं, इस बात को मत भूलो। तुम जो भी व्यवहार करो, तुम्हारे पीछे बसपा उलागड़ी है, वो ये अच्छी तरह जानती है। अगर तुम पुलिस के हाथों पकड़े गए तो वो सरनायक तुम्हारे साथ साथ हमें भी नरक दिखाएगा। ऐसा नहीं चाहते हो तो वो कोर्ट में नहीं आना चाहिए। सबूत मिटा दो। यस सर। सर, ओके सर। माया, तुम रेडी नहीं हुई क्या? हमें पिकअप करने अजय आ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, बस एक मिनट, अभी तैयार हूँ। हटो ना। वो डॉक्यूमेंट्स ले लिए ना? हाँ ले लूंगी। अरे रे रे रे, सच बोलने की इतनी जल्दी क्या है? सुशील सुशील सुशील, उठो सुशील, क्या हुआ सुशील? सुशील सुशील, उठो उठो सुशील, क्या हुआ? माया, पहले तुम कोर्ट में जाओ। नहीं, जाओ तुम पहले जाओ। माया,
माया की मौत के लिए अदालत शोक व्यक्त करती है, लेकिन इस खून के बारे में ये न्यायालय चाहता है सबूत और गवाह। मैंने देखा है सर, मेरी आंखों के सामने मेरी माया को इसी ने मार डाला। क्या आपके पास इस खून का कोई चश्मदीद गवाह है? मैं हूं सर। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ पुलिस विटनेस नॉट एडमिसिबल, पुलिस की गवाही को कोर्ट नहीं मानता। वैसे सेक्शन 25 किस लिए होता है सर? ऐसे लोगों की रिहाई के लिए? सर न्याय की बात तो ठीक है, सेक्शन की बात भी ठीक है, मेरी चार्जशीट को फाड़कर कचरे में डाल दे तो भी कोई परवाह नहीं, मगर फैसले के लिए सबूत चाहिए सर, पर न्याय के लिए कोई सबूत नहीं चाहिए। करेक्ट, लेकिन कानून ऐसा ही है ना, मुझे गवाही के आधार पर उन्हें सिर्फ सजा देने का अधिकार है, सेक्शन बदलने का अधिकार नहीं है। होटल में ठहर के जो काम नहीं करना था वो करके बड़ा अच्छा पॉइंट डाला तुमने। अरे इंस्पेक्टर, मुझे देखकर तेरे पेट में जलन क्यों हो रही है? अल्सर हुआ है क्या? इसकी लवर की तरह तुझे भी मार डालूंगा और फिर बेगुनाह साबित हो जाऊंगा। तू सोच ले, एक छोटी सी सुई के छेद से 100 बार अंदर बाहर का खेल खेलने वाला हूं मैं, और ऐसे बड़े छेद में तो कबड्डी खेलूंगा मैं। इस कोठारी के ऊपर सिर्फ FIR लिख सकते हो, कोर्ट को सबूत चाहिए। ए, सबूत सबूत चिल्लाता था ना, किधर गया तेरा सबूत? तुम सब पुलिस वाले मेरे नीचे। सर, जो काम कानून को करना था आज इस खाकी वर्दी ने कर दिया। मैंने माया के लिए इसे नहीं मारा सर, हम जिस डिपार्टमेंट को भगवान की तरह पूछते हैं और उसी डिपार्टमेंट को इस कमीने ने गाली दी और मैं सह नहीं सका। सर अगर मैंने गुनाह किया है तो किसी ने इस खून को होते हुए देखा है, ऐसी गवाही दी तो उसे अंदर कर दूंगा। अरे रे, पुलिस का झंझट ही नहीं चाहिए भाई, चलो चलो भाई, चलो चलो यार। हाँ, पुलिस को देखकर ऐसे ही डरना चाहिए। योर ऑनर, कोर्ट के आते में कोठारी का बड़ी क्रूरता से खून किया है इस सुशील कुमार ने। इसके प्रत्यक्ष साझेदारों को ACP अजय कुमार कोर्ट में लाए हैं, उनसे पूछताछ करने के लिए मुझे अनुमति दें। गवाहों को पेश किया जाए। चल रहे, मैंने जो कहा है वैसा ही कहना, नहीं तो जेल में डाल दूंगा। सुशील कुमार ने कोठारी का खून किया, ये आपने देखा क्या? नहीं सर, हमने नहीं देखा। कुछ नहीं देखा इन्होंने सर। चलो 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 सर, इन लोगों ने कुछ नहीं बताया, कोई बात नहीं, मेरे पास और भी गवाह है। प्रोसीड। योर ऑनर, उस कोठारी को हमारे इस साहब ने खचाक खचाक करके 4 बार चाकू घुसेड़ा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। साहब, कोठारी को इन्होंने ही मारा, मैंने अपनी आंखों से देखा। साहब, कोठारी को इसी ने ही मारा। सर, कोठारी को इसने ही मारा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्यों सर? सुशील कुमार को सजा देने के लिए पुलिस की गवाही काफी नहीं है और इसके अलावा कोई सबूत नहीं है, यही सोच रहे हैं ना? माया के खून का कोई गवाह नहीं है, इस छोटी सी बात के लिए कोर्ट ने उसके खूनी को छोड़ दिया। सर अगर हमारी गवाही की कोई कीमत नहीं है तो हमें अपराधियों को पकड़ने के लिए क्यों कहा जाता है, कोर्ट में पेश करने के लिए क्यों कहा जाता है? पुलिस गवाही क्यों नहीं दे सकती? हमारी कोई अहमियत नहीं है? हम लोग क्या अपराधी हैं? हम पर यकीन क्यों नहीं करते? मंत्रियों के प्रोटेक्शन के लिए पुलिस चाहिए, VIPओं की रक्षा करने के लिए भी पुलिस चाहिए, पब्लिक की हिफाजत के लिए भी पुलिस चाहिए और उनके लिए जान कुर्बान करने के लिए भी पुलिस चाहिए, सिर्फ हम गवाही नहीं दे सकते। यह कैसा सेक्शन है सर? आपके कहने के अनुसार एक गुंडा पुलिस स्टेशन में घुसकर हम में से किसी एक का खून कर दे तो भी हम गवाही नहीं दे सकते, इन हालात में हम क्या करें? रोड पर घूमने वाली पब्लिक के पास जाकर भीख मांगे, बहन जी कोर्ट के सामने गवाही दे दो रे बाबा, अरे भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे गवाही दे दो चाचा, और उन्हें गवाह बनाकर कोर्ट में पेश करें? पुलिस एनकाउंटर के नाम पर उसे भागने के लिए बोलकर उसको खल्लास करें? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप ही हमें बताइए कि हम क्या करें। आपको चोर पर तो भरोसा है, लेकिन उसी चोर को पकड़ने वाले पुलिस डिपार्टमेंट पर भरोसा नहीं है। सर, देश की आजादी के बाद जनता ने कितनी बार सरकार को बदला है, लेकिन उसी जनता के लिए आप अपने कानून में थोड़ा सा बदलाव नहीं ला सकते ताकि जनता को कानून पर विश्वास आ जाए? कोर्ट की गवाही अगर कानों जैसी हो तो यह पुलिस डिपार्टमेंट उसकी आंखों जैसा है।
ऐसा नहीं हुआ तो हम खाकी वर्दी पहनकर भी बेवकूफ कहलाएंगे सर। पुलिस ऑफिसर होते हुए भी कोर्ट से ऐसी बातें करना मुझे शोभा नहीं देता, लेकिन मैं सॉरी सर। सर मुझे यहां से ट्रांसफर कर दिया गया है। सुशील तुम क्या हो मैं अच्छी तरह जानता हूं, फिर भी तुमसे एक बात कहना चाहता हूं इफ यू डोंट माइंड। बोलिए सर। पुलिस को गुस्से से अधिक संयम की जरूरत होती है, पेशेंस की जरूरत होती है। तुम्हारे सामने कैसे भी हालात आ जाएं उनमें अपनी जान दे दो पर सर मत झुकाना। क्या यार इतनी देर हो गई बस अभी तक नहीं आई? मुझे भी पता नहीं चल रहा है। ए आएगा रे, तू इतना जल्दी क्यों कर रहा है? चाय पानी के लिए 10 मिनट गाड़ी रुकेगी। स्टॉप स्टॉप, गाड़ी साइड में लगाओ। चलो चलो सब चलो सब चलो, टाइम हो गया, चलो आ जाओ। ए ए कौन हो तुम, उतरो नीचे। सर और कितनी बोरियां हैं? और भी बहुत है सर। चेक इट। यस सर। सर सभी बोरियों में वेपन्स हैं सर। ये बोरियां किसकी हैं? सर माल सब हमारे डिपो से आता है सर। हम उधर से मतलब हम ही डिपो से दुश्मनों से हमारे देश को खतरा है, इसलिए हम आने जाने वाले हर वाहन पर कड़ी नजर रखते हुए राज्य की रक्षा करते हैं, लेकिन सरकारी वाहनों पर उतनी नजर नहीं रखते। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि मान जिम्मेदारी का एहसास है, जिम्मेदारी का एहसास है। 50 लोगों की जिंदगी को स्टेयरिंग व्हील संभाल के बचाने वाले तुम, देश की 100 करोड़ जनता का भविष्य बर्बाद कर देने वाला काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें? सर प्लीज माफ करो सर, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। हमने भी खाकी वर्दी पहनी है सर, जनता की सेवा ही हमारा उद्देश्य है सर। डिपो में माल किस जगह पहुँचाना है हमें बताते हैं, हम पहुँचा देते हैं। कितने सालों से ये माल डिपो से जा रहा है? बहुत सालों से। बहुत सालों से कहां पर? मुंबई के लिए सर। ए फटाफट काम कर लो फटाफट। ओए माल सब ठीक है ना? ए जल्दी से गाड़ी से माल उतार लो जल्दी जाओ। अरे वाह क्या सॉलिड आइटम है यार। दादा मुंबई पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है, थोड़े दिन के लिए धंधा रोक देना चाहिए। धंधा रोकने का सवाल ही नहीं उठता, मैं भी 10 सालों से यह धंधा चला रहा हूं। इसको रोकने वाला माई का लाल अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। रिश्वत की कमाई खाने वाले दलिद्दर मर्द में कहां है वो ताकत? हम यूपी वाले हैं, मिलिट्री से ही वेपन्स लाकर बॉर्डर क्रॉस कराते हैं। अब सोलापुर से पहले लड़के भेजूंगा,
बाद में ये बंदूक, फिर तो बाजा बजंतरी के साथ सेना को घुसाने वाला सरदार हूं मैं। मुंबई पुलिस की सिर्फ सब बात करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, हिम्मत नहीं है। मेरे ख्याल से वो मर्द नहीं, सबके सब नामर्द हैं। करेक्ट दादा। हेलो ए, चिल्ला क्यों रहा है, कौन है बेतु? नायक, अजय कुमार नायक, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। क्या कहा था, पुलिस में कोई मर्द नहीं है? सुनो मिलावटी के बच्चे, इंडियन आर्मी को हजारों सिपाही देने वाला ये राज्य हमारा, इस धरती पर पैदा होने वाला सिर्फ मर्द नहीं, धमाकेदार बॉम्ब होता है। इसलिए इस मुंबई को मर्दों की धरती। अब तक तुम्हारी सोच यही थी ना कि पुलिस बस भौंकने वाला कुत्ता होता है, डर कर पूंछ नीची करके भागने वाला होता है, लेकिन उसी पुलिस डिपार्टमेंट से तुझे काटने आया हूं मैं, मुंबई का पुलिस वाला। खून की गर्मी अभी उतरी नहीं, मेरी बात मान, डिपार्टमेंट से गद्दारी और मुझसे वफादारी कर ले, तेरी लाइफ बना दूंगा, चल मिलाओ हाथ। शेर ने कभी चूहे से दोस्ती की हो ऐसे सुना था ना? ए, जुबान संभाल वरना जुबान काट के हाथ में दे दूंगा, पता है ना ये मेरा अड्डा है। छुप कर रहने वाले तुम्हारे जैसे नामर्द बच्चे के लिए सिर्फ यही अड्डा ही खास है, मगर मेरे जैसे पुलिस वाले के लिए पूरा देश ही खास है। तुझे वेपन सप्लाई करने वाला कौन है? अगर अब भी नहीं बताया तो इस धरती पर तेरे पैदा होने के नामो निशान मिट जाएंगे। ए एसीपी, तुम कुछ भी कर लो, मेरी जुबान किसी भी कीमत पर खुलवा नहीं सकते। अजय कुमार, मैं मरने के लिए तैयार हूं मगर जुबान नहीं खोलूंगा। मार डालूंगा। सर, आपसे मिलने लॉयर आया सर। मैंने कुछ और ही सोचा था, मुंबई पुलिस बहुत ही स्ट्रांग है, पत्थर से भी पसीना निकालते हैं। फोन दो। बिल्कुल, सूटकेस दिया ना काम हो जाएगा। हेलो एमएलए साहब, मैं यूपी का राठौड़ बोल रहा हूँ। आप अचानक फोन काहे किए, माल सब पहुँच गया ना? आपने सही वक्त पर लॉयर को भेजकर अच्छा काम किया है,
वरना मुंबई पुलिस तो मेरी वाठी लगा देती। क्या हम लायर को भेजे हैं? शायद वो कलेक्टर ने भेजा है उसको। ओके, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हेलो कलेक्टर साहब, मैं राठौड़ बोल रहा हूँ। आपने सही वक्त पे लॉयर को भेजकर बहुत अच्छा किया। राठौड़ क्या बोल रहे हो तुम? कौन सा लॉयर, क्या बक रहे हो तुम? ए, एमएलए ने नहीं भेजा, कलेक्टर ने नहीं भेजा, किसने भेजा है तुमको? कर्नाटक एक्सप्रेस देखा है? हाँ। दिल्ली एक्सप्रेस? हाँ। मुंबई एक्सप्रेस भी देख लो। है? वो देखो। है? इतने में मेरा काम करके दे दो सर। अरे काहे को डरता है? हम ताली बजाएंगे तो पुलिस वाले दुम हिलाने लगेंगे। ऐसा है तो सर एक बार ताली मार दीजिए। आइए पुलिस महाशय, अभी हम आपको याद कर रहे थे, हमारा एक काम कीजिए। उससे पहले मैं एक काम बताऊंगा। का है? ट्रांसफर है, प्रमोशन है? गवर्नमेंट ने पुलिस डिपार्टमेंट को बूट, राइफल, बेल्ट, लाठी के साथ साथ हथकड़ी भी दी है। हाँ, बहुत अच्छा है। तारीफ से काम नहीं चलेगा, पहनकर देखिए। पहचानता है हम कौन है? हम एमएलए नहीं, एमपी होते तब भी यही कहता। मेरी बात मानेंगे तो इज्जत से लेकर चलूंगा, नहीं तो रास्ते पर घसीट कर ले जाना पड़ेगा। ए, हम 2 लाख वोट को अपना जेब में रखने वाला ओनली वन एमएलए है। लोगों ने सिर्फ वोट ही आपके हाथ में रखे हैं, लेकिन मारना हमारे हाथ में। हमको छुआ तो महाराष्ट्र में उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये बात है। दिख नहीं रहा? अरे कहाँ ढूंढ रहा है? अरे आपके पॉकेट में जो 2 लाख वोट थे वो ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गए? चुनाव नजदीक आ गए रे। अरे जाके पुलिस को फोन कर जा। उन्होंने ही तो थप्पड़ मारा है आपको। ए, हमरे ऊपर हाथ उठाता है, हम कौन मालूम है? मेले हूँ। अबे तेरी तो चल। आओ बेटा आओ, हर रोज तुम्हारे समाचार को पेपर में पढ़ता था, दूरदर्शन में देखता था। तुझे शुक्र दशा चल रही है, हमारे दर्शन भाग्य से और 10 दिन के अंदर तुझे प्रमोशन मिलेगा। तुझे अरेस्ट करने पर 10 मिनट में मिल जाएगा। शिव शिव, ऐसी बात मत करना बेटा। और बेठक की औलाद। वेपन्स स्मगलिंग केस में तेरा हाथ है ये साबित हो गया है, अरेस्ट करने आया हूँ तुझे। शिव शिव, हम देव मनुष्य हैं, हमें गिरफ्तार किया तो दुनिया में प्रलय हो जाएगा। बहुत हुआ तो पत्थर के गणेश जी दूध पिएंगे, दूध वालों का भला हो जाएगा। अब चलो। सब भगवान की लीला है, उस पर भरोसा रखने वाले का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारे साहब भी ऐसे ही हैं, गलत करने वाले हाथों को कभी नहीं छोड़ते। शिव शिव शिव, अब चले। मिस्टर अजय कुमार, पंडप्पा बसप्पा उल्लागेड़ी मठ को क्या समझ रखा है तुमने? अपने देश में 10 अमीरों में से एक है वो। वो जितना टैक्स चुकाते हैं वो रुपया महाराष्ट्र के 1 महीने के बजट के बराबर है। ए, उनके सपोर्ट के बिना ये सरकार 5 साल तक नहीं टिक सकती। इतने प्रभावशाली उल्लागेड़ी मठ का टेररिस्टों के साथ संबंध है, इस कारण से अरेस्ट, इंक्वायरी ये सब करने गए तो हमारे डिपार्टमेंट का नाक कट जाएगा। हमारे डिपार्टमेंट की कोई इज्जत है? बाहर लोग हमारे बारे में क्या बातें करते हैं आपको पता है क्या? हवलदार से लेकर कमिश्नर तक बस एक ही बात, रिश्वत। बस में केवल एक पर्स खोने पर स्टेशन में कंप्लेंट करने आया कोई तो उसे खूनी की तरह सामने खड़ा करके पूछा जाता है,
कौन सा एरिया था, कौन सी बस थी, कौन सा रुपया था, आगे जेब में रखा था, पीछे जेब में रखा था, ऐसे फालतू सवाल पूछ के जाके 10 रुपए की चाय 10 पाव लेकर आओ कहते हैं, और साथ में आते समय 10 पैकेट पान पराग भी लेते आना। उस एरिया में पिक पॉकेट करने वाला कौन है, हमारा बालकृष्ण क्या? नहीं नहीं, वो तो गांव गया है, नहीं तो फिर राम प्रकाश होना चाहिए, ऐसा कहते हैं ये लोग। किस एरिया में कौन कब पिक पॉकेटिंग करेगा ये हम पहले से जानते हैं, लेकिन उसे अरेस्ट करते हैं क्या? नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि उसमें हमारा भी तो हिस्सा होता है। हर रोज की ट्रैफिक की झंझट में, ऑफिस जाने की हड़बड़ी में किसी ने येलो लाइन को थोड़ा सा भी पार कर दिया तो बस मानो जैसे इंडिया बॉर्डर पार कर दिया हो। उसे कहते गाड़ी साइड में लगाओ, आरसी बुक है क्या, गाड़ी में पेट्रोल है क्या, टायर में बिलो है क्या, इतनी लंबी चौड़ी इंक्वायरी करते हैं क्यों, ये सब ड्यूटी निभाने के लिए क्या? छोटा 50 या 100 रुपया झपटने के लिए इस बात को पूछने वाले बड़े अधिकारी ही बोलते हैं। तुम गांजा बेचो, दारू पकाओ, व्याभिचार करो, कुछ भी करो, बस हमें 15 लाख का हफ्ता देते रहना। हमारे इसी वर्ताव के कारण कल पिक पॉकेटिंग करने वाला आज घर में घुसकर डाके डाल रहा है, उन दिनों गांजा बेचने वाला आज हथियारों की डीलिंग कर रहा है, कल का वैशाल्य चलाने वाला आज राज्य का मंत्री बनकर अधिकार चला रहा है। क्यों, पहले दिन एक्शन लिया जाता तो आज ये सब होता क्या? महीने के महीने पगार देने वाले वॉचमैन की तरह जामा सिपाहियों को सरहद पर और हमें राज्य में रखा गया है। वो सरहद में रहने वाले सिपाही हमारी रक्षा करते हैं उस पर तो यकीन है, मगर बाजू वाले पुलिस पर यकीन नहीं किया जाता। एक सिपाही मर जाए तो इज्जत दी जाती है, वही एक पुलिस वाला मर जाए तो कुछ नहीं होता। यह बदलना चाहिए, लोगों को हमारे लिए भी आंसू बहाना चाहिए। हमारे पास आने वालों को आप हमारे हैं ये सिर्फ बातों में नहीं काम में दिखना चाहिए सर, काम में दिखना चाहिए सर। एक छोटा सा गुंडा यूपी के एक शहर से वेपन सप्लाई करता है और ताल ठोक कर कहता है कि उसने बॉम्बे की पुलिस को खरीद लिया है। आज हमारे डिपार्टमेंट का मजाक उड़ाने वाला वो शख्स कल सीने पर बैठकर गाली भी दे सकता है सर। हमसे एक रोटी छीनकर खाने वाला कल पूरे राज्य का मालिक बन सकता है, तब हम क्या करेंगे सर? गलती करने वाला एक पिक पॉकेट हो, चाहे सांगली के बसप्पा उल्ला मेडी मठ जैसा एक बिजनेस टाइकून क्यों ना हो, उसे कानून से बड़ा नहीं होना चाहिए सर, तभी हमें लोगों के बीच थोड़ी सी इज्जत मिल सकती सर। ओके अजय कुमार, गो अहेड। यस सर। अंदर क्यों नहीं गए? गेट पर ताला लगा है सर। अजय कुमार आइए आइए, बहू से मैं पूछ ही रहा था, शादी के बाद तुम्हारा भाई इस घर में आया ही नहीं, आइए आइए बैठिए, खाना खाइए। मैं अभी ड्यूटी पर हूँ। पुलिस की नौकरी ही ऐसी है, देखिए जी खाने के समय हमारे घर कोई आए उन्हें छोड़कर खाएं ये हमारा रिवाज ही नहीं। मुझे अकेले खाने का दिल नहीं करता सर। सारे डिपार्टमेंट को खिलाने की ताकत रखते हैं हम, इन 4 आदमियों को खाना नहीं खिला सकते? आइए आइए खाना तैयार है, इन्हें भी थाली लगाओ। ठीक है आप कहते तो खाता हूँ, तुम लोग भी खाओ। सर बहुत अच्छा है, तुमने बनाया क्या? हाँ भैया। मुझे लग ही रहा था, और 2 पीस डालो, काम के टेंशन में हमें घर का खाना मिलना मुश्किल हो गया है, डालो। हाँ पेट भर के खाना। ठीक है सर। भैया ले लो। कैसा लगा मेरी बहन के हाथ का खाना? बहुत बढ़िया अच्छा सर। तो अब हमारी ड्यूटी कर लें। यस सर। ओके मिस्टर बंडप्पा बसप्पा उल्ला गेडी मठ, यू आर अंडर अरेस्ट। वजह? वेपन डीलिंग और उससे संबंधित एमएलए डीसी स्वामी जी मेरी कस्टडी में है। तू मेरा रिश्तेदार है इसलिए बोल रहा हूं, ये उल्ला गड्डी मठ एक सागर जैसा है, इसमें जहाज भी डूब जाता है, इसमें तैरने आए हो तुम। ये अजय कुमार नायक सिर्फ तैरना नहीं जानता, पाताल में जाके सीपी से मोती निकाल के बाहर लाने वाला गोताखोर है, अगर वक्त आ जाए तो
सागर का पानी पीकर उसे खाली भी कर सकता है। अजय, तुम अपने फैसले को बदल लो, यही अच्छा होगा। तुम्हारा चुंगी कर कितना है बताओ, दे देंगे। चुंगी कर लेकर सुख से रहने का लालच मुझ में होता तो कांटों की सेज वाली पुलिस की नौकरी को नहीं चुनता। मुझे गिरफ्तार किया तो लोग छोड़ेंगे नहीं। तीन तीन गांधियों के मरने पर भी लोग तीन ही दिन में भूल गए उन लोगों को। चौथे दिन नए नायक को चुन लिया जनता ने। वही जनता तुम्हारे जैसे गद्दार को अरेस्ट करने पर लड़ने के लिए आएगी, मुझे शक है। अभी अभी पैदा हुए बच्चे से पूछ लो, वो भी बता देगा मेरी कहानी। उसी बच्चे के पास जाकर अजय कुमार नायक के बारे में भी पूछो, कहानी बताने वाले के मुंह पर ताला लग जाएगा। मुझे गिरफ्तार किया तो क्या होगा ये सोचा तुमने? तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया तो इस देश की मर्यादा का क्या होगा ये सोच के ही मैं यहां आया हूं। ईश्वर, इज्जत से आए तो ठीक है, नहीं तो घसीट के ले आना। सर, बंडप्पा बसप्पा उल्ला गड्डी का टेररिस्ट से संबंध था क्या? नहीं तो क्या गांधी जी के साथ संबंध था? एक सवाल का दूसरा सवाल जवाब नहीं होता। जवाब जानकर भी सवाल क्यों पूछते हो? बंडप्पा और उनके दोस्तों का यूपी राठौर के साथ संबंध था, इसे आप साबित कर सकते हो? यस। इसके लिए किस गवाह को सेट किया है ये मैं जान सकता हूँ क्या? सेटअप करने का काम तुम्हारा है, हमारा नहीं। ऑर्डर, ऑर्डर। जुबान को थोड़ा लगाम लगाकर बात कीजिए। आप जिस तरह का सवाल करेंगे वैसा ही मेरा जवाब होगा। मिस्टर कृष्णमूर्ति, इस केस से संबंधित ही सवाल पूछे जाए। सॉरी सर। सर, इस केस से जुड़े हुए गवाहों से पूछताछ करने की अनुमति चाहता हूँ। प्रोसीड। सर, गवाह को आने में अभी थोड़ी देर है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमें थोड़ी मोहलत दीजिए। यस। अजय कुमार, एक गवाह को प्रोटेक्ट करके आप कोर्ट में नहीं ला सकते, इसका मतलब क्या है? शेम ऑन योर पार्ट। देखा अजय कुमार सरनायक, मुझसे दुश्मनी करके तुम डिपार्टमेंट से ही सस्पेंड हो गए। हां, मेरा देशद्रोहियों से संबंध है, इसे मैं खुद बोलूं तो तुम उसे साबित नहीं कर सकते। देखा क्या, कोर्ट में हाजिर होने वाले गवाह को कैसे उड़ा दिया। अगर तुम उस गवाह को लाए भी होते तो मैं कानून को भी खरीद सकता था। देखो, दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। वैसे अगर तुम हमारे होते तो तुम्हारी कीमत लगा देता। अजय, उधर कोर्ट में अगर मुझे सजा होती तो मेरे लोग सारे महाराष्ट्र को जलाकर राख कर देते। भारत चला के तुम क्या पाकिस्तान भाग जाओगे? चला दोगे? देखता हूँ क्या चलाते हो। ये क्या तुम्हारे बाप की जागीर है? ये हर एक भारतवासी की जागीर है। जागीर, इस बात को बोलने की भी योग्यता चाहिए। मैं सस्पेंड हुआ हूँ ड्यूटी से, सिर्फ ड्यूटी से। वापस आऊंगा तब इसी जनता के सामने तेरे रंग को उतार के इसी सोसाइटी से ही तुझे डिसमिस नहीं किया है। तो इस मिट्टी में जन्म लेने वाला मैं मर्द नहीं।
तुम उसके पैर पकड़ो, कुछ सांस ऊपर मत लेना, उसे आराम से। चिल्लाओ चिल्लाओ, तुम मरने तक चिल्लाओ। तुम्हारी माँ और भाई सुने, इतनी जोर से चिल्लाओ। बेटी की पहली बार माँ बनने की खुशी बहुत धूमधाम से मनाना चाहती थी ना, और मैंने तुम्हें नाती का मुंह देखने से भी वंचित कर दिया, इसलिए नाराज हो? ऐसा क्यों कह रहे हो, तुमने तुम्हारा फर्ज निभाया है। वही फर्ज निभाने की तो सदा भुगत रहा हूं। नाराज मत हो बेटा, माँ को भी प्रसव से पहले 10 महीने ये दर्द झेलना पड़ता है। वैसे इंसाफ की रक्षा करना हो तो मुसीबत आंसुओं से जूझना पड़ता है। क्या हुआ? बेटा हुआ है, नाभि की नाल लपेटकर जन्म लिया है। मर जाएगा क्या? नहीं मरेगा, वो तो मारेगा। कंस का वध करने वाला इस घर में आ चुका है। तुम्हारा ये बच्चा अजय के लिए मृत्यु है। नाभि की नाल में लपेटा हुआ बच्चा मामा की मृत्यु का कारण बन जाएगा। इस नाल को काटने के लिए इस यमराज के यहाँ उसे आना ही पड़ा। मैं वहां जरूर जाऊंगा माँ, मैंने उसका अपमान किया है, वो मुझे कुछ भी कह परवाह नहीं। लेकिन मेरी बहन ये सोचकर न रोए कि उसके मायके से कोई नहीं आया। रुक जाओ, पैर धोकर अंदर आओ। चंदा मामा जैसे लगने वाले तेरे मामा का चेहरा तेल में अच्छी तरह देख, पहली बार आखिरी बार। मतलब क्या बार बार आप हमारे घर आओगे, हमारे बारे में सोचोगे क्या? तुम्हारी आंखों में खुशी देखने के लिए ही इस दहलीज के अंदर आया हूं, मैं चलता हूं। भैया खाली पेट जा रहे हो, थोड़ा पानी तो पी के जाओ भैया। ये क्या शांति, खाना खाकर जाओ बोलने के बजाय पानी पीकर जाओ बोल रही हो? मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। घर में आए मेहमान को बिना खिलाए भेजने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं, खाना खा के जाओ ना। नहीं मुझे देर हो रही है। भेज देंगे जरूर भेज देंगे, खाना खा के। थोड़ा सा खा लो भैया। अरे अरे एक मिनट, ये क्या भाभी, आप इनके पसंद की खीर बनाई है तो इन्हें दीजिए ना। डालो। बस बस बहन। ये पी लो। चलता हूं मैं।
लक्ष्मी भाई, क्या है ये सब? किसने तुझे बांधा है? अरे शांति, मेरी बात छोड़ो, पहले जाके तुम्हारे भाई को बचाओ। तुमने बनाए हुए खीर में जहर मिलाया है। जाओ भागो, जाओ भाई को बचाओ, जाओ जाओ। रघु, अजय को जहर खिलाने की बात तुम्हारी पत्नी को पता चल गई है, वो उसके भाई को बताने गई है। अगर उसे पता चल गया तो वो हमारे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेगा, हमारा वंश ही खत्म कर देगा। निकालो रे हथियार। शांति, क्या हुआ बहन? क्या हुआ? भैया, मैंने बनाए उस खीर में उन पापियों ने जहर मिला दिया है। चलो हॉस्पिटल चलो। मेरी बात सुनो। चलो। तुझे अभी भी मारने का मन नहीं करता? भैया छोड़ना मत, मार दो, काट डालो, काट डालो भैया। नहीं बहन, ये गलत है। क्या गलत है इसमें? भगवान जैसे मेरे भैया को मारने जा रहे थे तुम। तेरे जैसे की पत्नी होने से ऐसे भाई की बहन होना अच्छा है। भैया कुछ तो बोलो,
कुछ तो बोलो। शांति, 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 शांति कब अपना वो गाँव जहाँ मिले प्यार की ठंडी ठंडी छाँव। बोल सकी आएगा कब अपना वो गाँव जहाँ मिले प्यार की ठंडी ठंडी छाँव। बोल सकी आएगा कब अपना वो गाँव। मुझको सताता है याद बड़ा आता है कितना है वो प्यारा हरी सखी कितना है वो प्यारा। आ गया तेरा वो पिया।
पास मैं जो आऊं तू क्यों शर्माए, आंखों ही आंखों में क्या तू समझाए। सुन सुन ये दिल वाला प्यार तुझे ही करने वाला, यही तो है तेरे सपनों का राजा। मेरे दिल में छाया है याद उसका, मेरे होठों में है बस नाम उसका। अरे मैंने भी तो गोरी प्यार किया है, दिल के बदले मैंने दिल दिया है। उसने वादा प्यार का, हाँ उसने वादा प्यार का, उसने वादा प्यार का निभाया क्यों नहीं, प्यार भाव तो लाया क्यों नहीं। कौन सखी आएगा कब अपना वो गाँव, जहाँ मिले प्यार की ठंडी ठंडी छाँव। ना मेरा है कोई, मेरे सिवा तेरा ना पिया है कोई। सुन सुन ये दिल वाला प्यार तुझे करने वाला, यही तो है तेरे सपनों का राजा। हाँ सुन पे बातें प्यार की मन बहके है मेरा, परदेसी के प्यार को दिल तरसे है मेरा। अरे कब तक मुझको ऐसे तड़पाओगी रानी, बीत न जाए ऐसे ही रुतिये सुहानी। क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ भाई जी, अजय कुमार सरनायक फिर वापस आ गया है। उतना ही नहीं, डिपार्टमेंट में फिर से चाल ले लिया है। उसे पुराना कुछ याद नहीं है, उसकी माँ को ही पूछता है तू कौन है, उसकी बहन के फोटो को भी पहचानता नहीं वो। पुराना सब कुछ भूल गया है तो डिपार्टमेंट में कैसे काम करेगा भाई? अगर उसके बारे में जानना है तो उसको देखना ही होगा। अजय, तू लौट के आने के बाद हम पर जुल्म करने वालों को सजा दिलाएगा ऐसे सोचा था, पर तुम्हें देखने के बाद जैसे कुछ हुआ नहीं, ऐसे खामोश हो तुम। हम कुछ भी करना चाहें तो कानून का सबूत चाहिए माँ। तुम्हारी इसी खामोशी की वजह से जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो, वो अपने बेटे की दूसरी शादी कर रहे हैं। करने दो माँ, मेरी बहन से चंदा मामा दिखाने और खाना खिलाने का और लोरी सुनाने का भाग्य नहीं मिला उस बच्चे को, इस आने वाली औरत से शायद मिल जाए। सही कहा तुमने। अफसोस है, क्या कर सकते हैं हम, हमारे हाथों में कुछ नहीं। अब हम हमारी बहू को नहीं भूल पा रहे हैं। इसे देखिए, इसके दिल में अब शांति की जगह और कोई दूसरा नहीं ले सकता। इसकी बात सुनते रहेंगे तो बच्चे के भविष्य का क्या होगा? हमारे लोगों ने शादी के लिए दबाव डाला और इसने बिना देखे ही शादी के लिए हाँ कह दी। जो कुछ हुआ वो भूल जाइए, जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाइए। आप शादी में जरूर आना और बच्चे की होने वाली माँ को आशीर्वाद देना। जरूर रहेगा माँ जी। इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है? हम आएंगे। Thank you.
भाई कैसी हो? अजय कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है? अभी आ जाएगा। शादी तो बहुत ग्रैंड से अरेंज किए हो अजय। क्यों, क्या हुआ? वो सब बाद में बताएं। सर, एनी प्रॉब्लम? सर एक मिनट। सर इस हॉल में एक टेररिस्ट छुपा हुआ है। ही इज अ ह्यूमन बॉम्ब, एनी टाइम ब्लास्ट हो सकता है। व्हाट? ये खबर फैलाकर प्रोग्राम खराब नहीं करेंगे। गिव मी सम टाइम, मैं उसे पकड़ लूंगा। बट कीप द कूल। यस सर। किधर घूमोगे शिवा? इतने लोगों में उसे कैसे ढूंढे? रिमूव कर दिया सर। और वो टेररिस्ट भाग गया सर। एनीवे, यू हैव डन ए गुड जॉब। सैकड़ों की जान बचा के तुमने एक अच्छा काम किया है। वेल डन। थैंक यू। पाटिल सर, ये केस कैसे निपटाएं? हजारों की जान बचाने के चक्कर में अचानक मिस फायर होके ये दुर्घटना हो गई। वैसे इस केस को इधर ही क्लोज कर देते। सर, उस दिन दक्षिण महाराष्ट्र में आतंकवाद की जड़ें फैलने की संभावना से आपने इनकार किया था, लेकिन आज हुए इस ब्लास्ट पर आपका क्या कहना है सर? घंटा बजने लगे तो ये मत समझो उत्सव चालू हो गया। ब्लास्ट हुआ ये सच है, लेकिन एक के सिवा कोई नहीं मरा। आपको पता है इसके पीछे किसका हाथ है? राठौड़। वो एक वेपन्स डीलर है, कोर्ट आने में मारा गया। उसके सपोर्टर ही इस घटना की वजह है। उसका मकसद क्या होगा? उसका मकसद बसप्पा उल्लागेडी की फैमिली। सर, ऐसे में उल्लागेडी को प्रोटेक्शन देंगे क्या? ऑफ कोर्स। इसीलिए तो कोर्ट में पेश किया गया सर। उसका अपराध अभी साबित नहीं हुआ है, इसलिए वो इनोसेंट है। उसको प्रोटेक्शन देना हमारा फर्ज। नहीं चाहिए ये पुलिस सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए। वो कभी ना हमें समझा रहा था। देखो भाई, तुम हमें गलत समझ रहे हो, मेरी बात तो सुनिए। ए, क्या सुनने का? जनता की नजर में, पुलिस की नजर में तुम अच्छा बनने के लिए हमारे राठौर को मरवा दिया? नहीं, वो सब मुझे नहीं पता। हम भी तुम्हारे आदमी हैं। तुम कैसे आदमी हो, हमारे बॉस को आने दो, पता चल जाएगा। तुम्हारा बॉस अकरम वाशा है ना, वो मुझे अच्छी तरह से जानता है, जरा पूछ के देखिए। ए, मैं क्यों पूछूं? आने के बाद तुम ही पूछ। ठीक है, वो कहाँ है? यहाँ। इसका मतलब ये लोग हमें उठा कर लाए,
पता है, मैंने ही भेजा था। उस दिन तुम पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती ये चिल्ला रहे थे ना, अब कैसा रहा? अगर पुलिस ने खींचना शुरू किया तो तू टकला भी हो सकता है और धरती से उठ भी सकता है। मतलब तुम्हारी याददाश्त बराबर है, यानी सब कुछ भूलने का तू नाटक कर रहा था। तुम्हारे जैसों को जड़ समेत उखाड़ कर मातृभूमि की रक्षा करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ये नाटक भी करता है और कभी मां की आंखों से नकली आंसू भी निकलवाता है। हमारे लिए मातृभूमि ही सबसे बढ़कर है। बेटे के मरने से घर सूना हो जाएगा तो मां रोएगी, वहीं एक वीर के शहीद होने पर मातृभूमि भी आंसू बहाएगी। मुझे तो हॉस्पिटल में ही सब कुछ याद आ गया था, तुम्हें दफन करने के लिए ही मैंने ये छोटा सा नाटक खेला। लुक छुपकर अंधेरे में चूहा बिल्ली का खेल खेलने वाले तुम्हारे जैसों को जब इतनी गर्मी है तो अपराध करने वालों के वंश को खंगाल कर निर्वंश करने वाले खाकी वर्दी वालों में कितनी गर्मी होगी। देखो मेरी बात सुनो, आज रावण की मौत का दिन है, आप जैसों के लिए आज का दिन शुभ है। कबर खोद रखी है, माला लाई जा चुकी है, पाप का घड़ा भी भर चुका है, तुम्हारी आखिरी घड़ी आ गई है, सूरज डूबने का टाइम हो गया है, आज तुम सबको विदा करूंगा। उससे पहले मैं तुझे विदा करूंगा। है? तुम चाणक जैसी चालाकी करोगे ये मुझे पहले ही मालूम था, भाई को बताया मगर उन्होंने यकीन नहीं किया। ए, सीधी तरह गन फेंक दो, नहीं तो तुम्हारा डिपार्टमेंट जिसे महाकलश मानता है इस एसीपी का सर काट दूंगा। क्या लीला है ये तेरी बेटा, उधर भी तुम इधर भी तुम, हिंसा अच्छी नहीं होती है। तुम क्यों मारोगे, मैं खुद ही कूदूंगा। किसी से भी टकराओ मगर पुलिस से मत टकराओ, ये हम तुमको बोले थे ना। ए तू सुना कहे नहीं रे, अरे जान रे जान।